हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर जिनका नाम है हिमालया, पूरा नाम आप कह सकते हो हिमालया अग्रवाल नाम है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको और जानना है कि ये अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ अपलोड करते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। बॉलीवुड के तमाम कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड करते हैं और बस आपको अपने लुक के हिसाब से देखना रहता है और उनको डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल सेंड करनी रहती है। ओके दोस्तों, लोग ने अभी तक दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर लिया है, उनको रोज सुबह 10 बजे एक नोटिफिकेशन आता होगा व्हाट्सएप पे ऑडिशन अपडेट से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। जैसा कि मैंने आप लोग से बताया कि आज हम बात करेंगे हिमालया अग्रवाल सर के बारे में। ये बहुत ही फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं। ओके दोस्तों, इनका एक ही ब्रांच है मुंबई में, मुंबई में इनका ऑफिस भी है। बेसिकली वहाँ पे ये शॉर्टलिस्ट ऑडिशन करते हैं आराम नगर पार्ट वन में। इसका एड्रेस मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा हिमालया सर का, जैसे आप डायरेक्ट इनको अपनी प्रोफाइल शेयर कर सको। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में कि हिमालया सर अभी तक कितनी फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग की है, बहुत सारे ऐड की कास्टिंग किए हुए हैं। बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ इन्होंने अभी तक कितने एड्स और कितने फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं। और ये एक बहुत ही फेमस कास्टिंग डायरेक्टर। अभी रिसेंटली इन्होंने धर्मा फिल्म के लिए भी एक कास्टिंग की थी। तख्त मेरे ख्याल से इन्होंने ही की थी क्योंकि मैं खुद मुंबई में था उस टाइम, तख्त की कास्टिंग चल रही थी तो मैंने इनसे बात भी किया था। उस टाइम उनको उस कैरेक्टर की जरूरत थी जिसके बाल ना हो और मेरे बाल थे तो मैं वहाँ पे फिट नहीं हो पाया। तो इस टाइप की इन्होंने बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग किए हुए हैं। अब मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ इनके ऑडिशन प्रोसेस के बारे में। वैसे जो इनका ऑफिस का एड्रेस है आराम नगर पार्ट वन में, वहाँ पे ये इंट्रोडक्शन बहुत कम लेते हैं क्योंकि जब मैं था तो उस ऑफिस में इंट्रोडक्शन बहुत कम होता था, मतलब ना के बराबर होता था। वहाँ पे सिर्फ आप जाओ, डोर नॉक करो और वो देखेंगे, कहेंगे अच्छा हाँ तुम्हारा लुक मैच कर रहा है, आ जाओ, तुम्हारा मैच कर रहा है, आ जाओ। तो वहाँ पे ये सिस्टम था। और हर जगह हर कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर या बाहर आपको इंट्रोडक्शन तो देने का मौका मिलता था। वहाँ पे मेरे ख्याल से कभी देना क्यों नहीं मिला क्योंकि ये ऑनलाइन सबका इंट्रोडक्शन लेते थे वहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐड का शूट करते थे। ऐड में सामने सामने दिख जाता था हाँ यार ये कैरेक्टर मुझे चाहिए तो वो तुरंत बुला लेते थे। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी मुंबई जा रहे हो तो आराम नगर पार्ट वन में ज़रूर जाना इनके ऑफिस के पास, वहाँ पे आप ये डायरेक्ट आपको चांस दे सकते हैं। ऐड शूट होता क्योंकि ऐड शूट में तुरंत ही तुरंत सब कुछ हो जाता है। ओके दोस्तों, और मैं अब आप लोग को इनका सिर्फ सिंपल सा एक ऑडिशन प्रोसेस है वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी कास्टिंग डायरेक्टर को मेल करते हो अपनी प्रोफाइल, सेम इनको भी अपनी प्रोफाइल वैसे ही मेल करो, मेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, मैं आपको आगे व्हाट्सएप नंबर भी इनका दे दूंगा जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल वहां पे इनको शेयर कर सको। अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करते समय आपको कुछ नहीं, सिर्फ 5-6 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने नेम, एज, हाइट, लोकेशन और हॉबीज़, एक्सपीरियंस और मोबाइल नंबर, बस इतना चीज़ अच्छे से कॉन्फिडेंट होके बोल देना, आगे का काम वो खुद देख लेंगे। आप खुद समझ जाओगे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे क्योंकि जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, बस आपका लुक मैच करना चाहिए उसके बाद, फिर वो समझ जाते हैं कि ये एक्टर अच्छा है, ये अच्छे से कर ले जाएगा। ओके दोस्तों, फिर ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे उस कैरेक्टर के लिए, फिर ये अपने ऑफिस में बुलाएंगे आराम नगर, वहाँ पे आपका एक ऑडिशन होगा, देन उसके बाद आप शूट पे जाओगे जहाँ पे भी एड या फिल्म की शूटिंग होगी, फिर आप वहाँ पे जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के लिए आप, मैं इनका आपको कॉन्टैक्ट सेगमेंट में आता हूँ, वहाँ पे आपको मैं इनका सोशल मीडिया हैंडल दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ मैं इनका व्हाट्सएप नंबर शो कर दे रहा हूँ जैसे कि आप इनको अप्रोच कर सको, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सको, एक तरीके से इनसे रूबरू हो सको, इनसे बातें कर सको। लास्ट में मैं आपको इनका एड्रेस शो कर दे रहा हूँ, आराम नगर पार्ट 117 बंगलो का नंबर है, 117 नंबर है, मतलब जाके आप वहाँ पे अपना ऑडिशंस दे सकते हो। अगर मेरे को कोई वीडियो मिल गई 117 की, मैं बहुत बार गया हुआ हूँ, मैं देखूंगा अगर मेरे को मिल गई तो मैं वो आप लोग को जरूर शो कर दूंगा इसी वीडियो के जस्ट आगे। नहीं तो बस आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से हम और भी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते रहेंगे, रूबरू आप लोग को कराते रहेंगे, जैसे आप उनके बारे में जानते रहो, उनको अपनी प्रोफाइल शेयर करते रहो। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर छोड़ेंगे नहीं, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में आपको बताएंगे जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल वहां तक पहुंचा सको। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो मैं आप लोग को लेते आता रहूंगा, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।